वहीं दुर्ग जिले में कल रात गंजपाड़ा चौक में आपसी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम मंत्री यादव है, जो पचवी पारा दुर्ग में रहता था। मृतक के परिजनों ने इस हत्या में पूर्व पार्षद वहे हिस्ट्री शीटर अजय दुबे के साथ अन्य लोगों के शामिल होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि अजय दुबे पहले ही वार्ड की लड़कियों को मोबाइल पर आपत्तिजनक संदेश भेजता था। इस बात को लेकर कुछ महीने पहले पूर्व पार्षद अजय दुबे की जमकर पिटाई हुई थी और उस समय पीटने वालों में मृतक भी शामिल था, जिसके चलते मंत्री यादव की अजय दुबे के परिवार के सदस्यों ने हत्या कर दी। आरोपी अजय दुबे के खिलाफ दुर्ग पुलिस में 40 से भी अधिक मामले दर्ज होना बताया जा रहा है। घटना के बाद क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों की पता साजी की जा रही है। गंजपारा चौक पे मर्डर हुआ है, जिसमें चाकूबाजी हुई है। मृतक जो है वो भी पुराना गैंगस्टर है और जो मारने वाले जो लोग हैं वो भी गुंडा बदमाश के रिश्तेदार लोग हैं। दोनों के आपस में कोई राइवलरी रही होगी, इसका वजह से चाकूबाजी हुई। आरोपी अभी हमारे फरार हैं लेकिन आइडेंटिफाइड हैं, हम बहुत जल्द उनको पकड़ लेंगे। क्या लगता है किस तरीके से पूरी घटना हुई है, क्या कहां था? ये चाकूबाजी की घटना है, चूँकि दोनों गैंगस्टर पृष्ठभूमि के थे, दोनों अपराधी तत्व के थे और इस कारण से ये घटना हुई है। आपस में राइवलरी रही होगी, अब जब पकड़े जाएंगे तो पूछताछ कर लेंगे उनसे। पूर्व में हमारा झगड़ा हुआ था इनके साथ पुरानी रंजिश के चलते। अजय दुबे जो था यानी कि अश्लील मैसेज लड़कियों को वहाँ के यानी अपने वार्ड में 28 वार्ड में या 29 वार्ड में लड़कियों को अश्लील मैसेज करता था। पूर्व में हमारे साथ झगड़ा हुआ था, इन लोग रेकिंग करके इनको यानी कि इस टाइप से घटना को अंजाम दिया। मंत्री यादव वही केस में थे अभी साथ में। हाँ, वो अजय दुबे की जिस टाइम मार पड़ी ना उसमें थे। तो बीच में इन लोग पूर्व में दोनों लड़के फिर पकड़ाए हुए थे वहाँ सेक्टर 6 में। एसपी साहब से हमने मुलाकात भी की है और इनकी जानकारी भी दी है कि इन लोग कुछ औजार के साथ पकड़ाए हुए थे वहाँ पे। पिस्टल रखे हुए थे, बिहार से लाए थे। अच्छा, एसपी साहब के पास हम लोग गए थे उनको यानी बताने के लिए कि ऐसा ऐसा है करके, लेकिन वहाँ से इन लोग खुलासा नहीं हुआ कि किसको मारने लाए क्या है। सिर्फ वो सामान जब्ती बना के जो धारा लगना। कौन कौन थे आरोपी जिनके पास? अक्षत दुबे, अमिताभ दुबे और ऊपर चंदू दुबे था।